यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आम आदमी पार्टी के विधायकों और दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के बीच चल रहे मारपीट और विवाद को लेकर इस पर पार्टी की तरफ से एक पक्ष रखा गया है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें नेता संजय सिंह और आशुतोष की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पार्टी के दलित और मुस्लिम विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले में आरोपी विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय ने कहा, दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने राजनीति में आकर कोई बड़ी गलती कर दी हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सीएम और डिप्टी सीएम के घर पर छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, बलात्कार के मामले में दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है और दूसरी ओर सोमनाथ भारती के कुत्ते से पूछताछ होती है। हमारी फाइलें रोक दी जाती हैं, स्कूल और अस्पतालों के लिए जमीन नहीं दी जाती, हमारे मंत्री को गृह मंत्री राजनाथ सिंह मिलने का समय नहीं देते। हमने केवल सिर्फ इतना ही कहा था कि जिस तरह से झारखंड में लोग अनाज की कमी से मर रहे हैं, उस तरह से दिल्ली में ना मरे। अगर कल को कोई दिल्ली में भूख की वजह से मरता है तो सवाल अंशु प्रकाश और उपराज्यपाल से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि सवाल होगा केजरीवाल सरकार से।